जी दोस्तों, मैं आज ये बहुत ही एक आलू का चटपटा नाश्ता बना रही हूँ। ये मैंने एक रोटी ले ली है, इसको मैं मिक्सी जार में छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको पीस लूँगी। ये देखो मैंने ये आलू को कर लिया है, मैंने आलू ये देख पीस लिए हैं, पीस लिए। ये आलू है मेरे 150 ग्राम। प्याज डालती हूँ, प्याज और हरी मिर्च। थोड़ी सी लाल मिर्च, चाट मसाला, ये मैंने डाल दिया है आधा चम्मच का। ये सूखा हुआ धनिया है, हरा हरा वाला। ये थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालती हूँ, ये थोड़ी सी डालूँ, ज़्यादा नहीं। इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। और एक चीज़ मैं नहीं डालूँगी, वो आप सोचना कि क्या चीज़ मैंने अभी डाली नहीं है, वो मैं बताऊँगी आपको कि मैंने कौन सी चीज़ नहीं डाली है। तैयार हो गया है, ये 2 चम्मच मैंने आटा ले लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच ये सफ़ेद तिल ले लिए हैं। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप लोग आप इसमें काले तिल भी डाल सकते हो, और काले तिल भी ना हो तो कलौंजी डाल दो। ये मैंने इसमें थोड़ा सा ही नमक डाला है, और मिर्च 1 चम्मच तेल का डाल दी। अच्छी तरह से मिलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गोल बनाऊंगी। अच्छा, गोल बना लिया है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट में रखती हूँ। बोला था ना कि एक चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो है नमक। नमक में अगर मैं पहले डाल देती तो ये नमक से पानी से ये ज़्यादा गीला हो जाता है, इसलिए मैंने नमक बाद में डाला है। चीज ले लिया है, ये वाला चीज लिया है। अब मैं, अगर आपकी मर्जी है आपने चीज डालना है या नहीं डालना, मैं भी इसमें थोड़े से बनाऊंगी चीज वाले, बाकी में चीज नहीं डालूंगी। ये देखो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, आप जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चले। बहुत गर्मी है इसलिए जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और फिर ये हम जो मैंने नाश्ता बनाया है वो खाते हैं।
ब्यूटीफुल है जो मेरा नाश्ता बना है। ये मेरा सारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में सजाती हूँ और आप भी जल्दी जल्दी आ जाएं और हम सब मिलके खाएंगे। अगर दोस्तों ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है और आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जो उसको दबाने से मेरी वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई देगी। ये देखो जो कितनी बढ़िया बने हैं। नमस्कार।